एपिसोड 49 की स्टार्टिंग होती है और एक असिस्टेंट कहती है, प्रेस कह रही है कि सिस्टर रूही इंसान होने के लायक नहीं है। फिर नैनियन कहती है, मुझे डर है कि सिस्टर रूही को यह सुन के काफी बुरा लगेगा, मैं तुम्हें रिपोर्ट करने के लिए बुलाती हूँ और तुम सिस्टर रूही की मदद करो ये सब ब्लॉक करने में। फिर वहाँ रूही आती है और वो कहती है, इससे मेरा क्या लेना देना। फिर नैनियन कहती है, सिस्टर रूही आप यहाँ क्या कर रही हो। फिर रूही कहती है, शूफेंग के रिएक्शन कुछ सही नहीं लग रहे थे इसलिए मैं खुद देखने आ गई, मुझसे जुड़ी कोई भी बात मुझे बताओ, मैं कुछ भी एक्सेप्ट कर सकती हूँ। फिर नैनियन कहती है, अगर आपका मूड इतना खराब है तो मैं आपके आराम करने की व्यवस्था कर सकती हूँ। फिर रूही वो न्यूज देखती है और फिर नैनियन कहती है, रूही ये सिर्फ कुछ देर के लिए है। फिर रूही कहती है, मैं ठीक हूँ, मुझे तुम पर भरोसा है। फिर नैनियन कहती है, चलिए मैं आपको पहले घर भेज देती हूँ। इसके बाद जैसे ये लोग कंपनी से बाहर आते हैं, बहुत सारे रिपोर्टर इन दोनों का वेट कर रहे होते हैं। फिर नैनियन सोचती है ये काफी भयानक है। फिर रूही उन नैनियन का हाथ पकड़ता है और कहता है, यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं। फिर नैनियन कहती है, रूही क्या आप ठीक हो। फिर रूही कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस ये थोड़ा अचानक से हुआ, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। फिर नैनियन को कॉल आता है और वो कहती है, रूहीन सिस्टर रूही की हेल्प करो, उन्हें घर ले जाओ, मुझे अर्जेंट फोन आ रहा है। इसके बाद चिशुआन और शियोचंग चाय पी रहे होते हैं और फिर वहाँ नैनियन आती है और फिर वो कहती है, सब कुछ कैसे चल रहा है उदास लोग। फिर चिशुआन कहता है, नैनियन मेरे साइड में बैठो। फिर शियोचंग कहता है, ये सबसे बेस्ट प्लेस है चाय पीने के लिए और चाय की खुशबू तो देखो क्या ही कहना। फिर नैनियन कहती है, क्या उन्हें सेकंड राउंड में हमला करना शुरू कर दिया है, तुम लोग के साइड कैसे चल रहा है। फिर शियोचंग कहता है, शेयर होल्डर मान गए हैं। फिर चिक्षुआन कहता है, ये जरूर सेंगली ने किया होगा। फिर नैनियन कहती है, तुम दोनों को साथ में मजबूती से काम करना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कियाओ कहती है, दादाजी इन लोगों के ग्रुप को कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन मैं उनसे नहीं डरती, इस तरह की लड़ाई में मुझे काफी दिलचस्पी है। ये सारे शेयर होल्डर चुपचाप से गो शियोचंग से मिले और उन्हें ऐसा लगा कि वो मुझसे बच जाएंगे। क्या आप चाहते हैं मैं कुछ करूं? मैं अभी उन्हें गायब करवा सकती हूं। फिर गोडोंग कहता है, वैंगशाओ वाले मैटर के चक्कर में कोई तुम पर नजर रखे हुए है, जल्दबाजी मत करना। फिर कियाओ कहती है, मुझे माफ कीजिए दादाजी, ये मेरी गलती है, मुझे सजा दीजिए। फिर गोडोंग कहता है, अगर कुछ होता है तो उसे सॉल्व करो, पर ये सब चीजें मुझे सुनाई नहीं देनी चाहिए। फिर कियाओ कहती है, ठीक है दादाजी जैसा आप कहें। फिर गोडोंग कहता है, शेयर होल्डर की मीटिंग कैसे रही। फिर कियाओ कहती है, न्यूज बाहर आ गई है, उन्हें तुरंत पता चल जाएगा। फिर गोडोंग कहता है, ठीक है खड़े हो, क्या तुमने दवाई खा ली। फिर कियाओ कहती है, अभी भी थोड़ी बची है। फिर गोडोंग कहता है, ठीक है लैब में जाओ और जाके और दवाई ले लो। फिर कियाओ कहती है, ठीक है थैंक यू दादाजी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कमेंट में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।